बच्चों सबको मेरा नमस्कार। आइए हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 के बच्चों एरर एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। एरर एनालिसिस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर, एरर को कैसे लिखते हैं, कैसे मेजरमेंट करते हैं, ये सब हम लोग इसमें सीखेंगे। ओके, तो पहले तो व्हाट इज़ एरर। जैसा मैं अपने लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, एरर मतलब अनसर्टेनिटी। जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो जो लास्ट डिजिट होता है पॉइंट के बाद वो अनसर्टेन होता है, तो एरर का मतलब होता है अनसर्टेनिटी। तो मैं यहाँ लिख दिया हूँ, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। नाउ अब एरर बहुत किस्म के होते हैं बच्चों। कुछ एरर जो एग्जाम में आते हैं वो है रैंडम एरर। रैंडम एरर, व्हाट इज रैंडम एरर, ये है आपका रैंडम एरर, ये एग्जाम में आता है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज रैंडम एरर। तो बच्चों जब भी हम कोई चीज़ का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हर एक ऑब्जर्वेशन मेरा सेम नहीं होता है, अलग अलग निकलता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने जो भी एक्सपेरिमेंट, जैसे ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट अगर करेंगे तो करंट की वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यू सेम नहीं निकलेगी, कुछ तो चेंज होगा ही। तो हम लास्ट में किसको सेम, किसको मानेंगे, तो हम उसका मीन ले लेते हैं। मीन, जब मीन ले लेंगे तो मीन को हम कहेंगे ट्रू वैल्यू, उसी को मानेंगे। तो रैंडम एरर्स मतलब वो एरर्स जो मतलब रैंडमली होती है। तो रैंडम एरर्स इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन द कंडीशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें कंडीशन चेंज होता है। कंडीशन मतलब एक्सपेरिमेंट का कंडीशन, दैट इज टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब, हवा की डेंसिटी, ये सब चेंज होती है, तो जिसकी वजह से मेरा एक्सपेरिमेंट पे असर पड़ता है। तो एक्सपेरिमेंट का जो कंडीशन है बच्चों वो चेंज होने से रैंडम एरर्स हो जाती है। आल्सो ड्यू टू इनकरेक्ट जजमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी हम कोई भी जब एक्सपेरिमेंट लेते हैं तो मेरा जजमेंट हमेशा सही हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। मान लो पहले तो हम अच्छा जजमेंट किए, दूसरी बार भी अच्छा किए, तीसरी बार थोड़ी सी गलती कर दी है, थोड़ी सी हमने तिरछा देख लिया, राइट, थोड़ी सी हम मेरा स्टैंडिंग पोजीशन डिस्टर्ब हो गया, राइट। तो इनकरेक्ट जजमेंट ऑफ द ऑब्जर्वर, इसकी वजह से रैंडम एरर होती है। इसको हम कैसे कम करेंगे, कम करने के लिए टू रिवाइज देयर दिस एरर मीन इज टेकन। इसको कम करने के लिए बच्चों हम मीन लेते हैं। तो एग्जाम में ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रैंडम एरर। तो आपको इस 2 पॉइंट याद रखना है, रैंडम एरर्स वो एरर्स हैं जो कंडीशन ऑफ एक्सपेरिमेंट जब चेंज होता है तब आती हैं, दूसरा जो इनकरेक्ट जजमेंट, और ये होना ही है निश्चित। तो अपने कोई भी एक्सपेरिमेंट आप जब करेंगे तो एक ही ऑब्जर्वेशन से हम कभी सेटिस्फाई नहीं होते हैं, हम क्या करते हैं 5-6 ऑब्जर्वेशन लेके उसका मीन निकालते हैं। तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट यही है कि उसमें रैंडम एरर्स आ गया है, तो उस रैंडम एरर्स को कम करने के लिए हम मीन की वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू मानते हैं। नेक्स्ट जो है बच्चों, दैट इज सिस्टमैटिक एरर। व्हाट इज सिस्टमैटिक एरर, पहले तो समझो ये क्या होता है। सिस्टमैटिक, ऐसा एरर जो एक सिस्टमैटिक कॉन्स्टेंटली आएगा ही आएगा आपके एक्सपेरिमेंट, उसको हम हटा नहीं सकते, तो दैट इज सिस्टमैटिक एरर। जैसे कि दिस एरर अकर्स कॉन्स्टेंटली और सिस्टमैटिकली ड्यू टू विच रीडिंग्स आर आइदर ग्रेटर और स्मॉलर देन एक्चुअल वैल्यू। ये ऐसा एरर है जो कि उसमें कंस्टेंटली आ रहा है, लगातार आ रहा है, सिस्टमेटिकली आ रहा है, जिसकी वजह से मेरी जो एक्चुअल वैल्यू, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो या तो थोड़ी सी अधिक हो जाती है या थोड़ी सी कम हो जाती है, उसको कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। और ये कैसे होती है बच्चों, तो जैसे जीरो एरर, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है आप उसमें जीरो एरर तो पक्का होगा ही। तो जब जीरो एरर होगा उससे हम मेजरमेंट करेंगे तो जीरो एरर हमको हर ऑब्जर्वेशन में मिलेगी, राइट, जिसकी वजह से मेरा वेरिएशन आएगा मेजरमेंट में। दूसरा है बेंच एरर। बेंच एरर, ये बेंच एरर, ऑप्टिकल बेंच जो
हम जब लेंस का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो लेंस को एक उसमें हम फिक्स करते हैं, होल्डर में, लेंस होल्डर में फिक्स करते हैं। वो लेंस होल्डर ऑप्टिकल बेंच पे रखा होता है, तो वो बेंच में भी एरर होती है, जो वहाँ रीडिंग्स लिखी होती है वहाँ का जो एरर है उसको बेंच एरर कहते हैं। तो उससे भी जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये कॉन्स्टेंटली आएगा बेंच एरर। और कॉमनली बात करें तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, हर एक इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ एरर होता है, वो लगातार आता है, तो ऐसे एरर को कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। अब हम सिस्टमेटिक एरर को डिवाइड कर सकते हैं, क्लियर, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, छाप लेंगे पहले इतना। हाँ तो बच्चों, सिस्टमेटिक एरर कितने किस्म के होते हैं, तो फर्स्ट इज योर इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो एरर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा होगा उसको इंस्ट्रूमेंट एरर कहते हैं, वो सिस्टमेटिक एरर के अंदर आता है। इंस्ट्रूमेंट में काफ़ी एरर हो सकते हैं बच्चों, पुराना इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, रीडिंग्स आपके सही नहीं हों, राइट, उसमें जंग लग गया हो, तो दैट इज़ उससे तो एरर होना ही है, तो ऐसे एरर को कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। नेक्स्ट है पर्सनल एरर, किसी को होता है कलर ब्लाइंडनेस, है ना, कोई ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हो पाता, तो उसको पर्सनल एरर्स में आ जाते हैं, वो तो होना ही है, हर पर्सन अलग अलग कैपेसिटी का होता है। नेक्स्ट, एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्ट टेक्निक, कोई भी एक्सपेरिमेंट का बच्चों में परफेक्ट टेक्निक होता है, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तभी मेरा एक्सपेरिमेंट अच्छा रिजल्ट देगा, अगर थोड़ा भी हम उसमें इम्परफेक्ट टेक्निक का फॉलो करेंगे तो एवरीथिंग मेरा रॉन्ग हो जाता है, तो उससे जो एरर आती है दैट इज ऑल्सो सिस्टमेटिक एरर, एंड उसको कहते हैं एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट टेक्निक। नाउ एरर ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्स एंड इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स मतलब कंडीशंस ऑफ एक्सपेरिमेंट, जैसे टेम्परेचर प्रेशर चेंज हो रहा, इंटरनल सोर्स मीन्स जो आपका टेक्निक है गलत टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, या आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम, जो हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो वो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मेरा वो ख़राब हो जाता है, सही रिजल्ट नहीं आता है, तो एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकता है, इंटरनल फैक्टर भी हो सकता है, ये सब सिस्टमेटिक एरर के अंदर आते हैं। क्लियर बच्चों, जो आपको इसको खाली मीनिंग को समझना है, वैसे तो एग्ज़ाम में कभी आया नहीं डिफाइन करने के लिए, एग्ज़ाम में जो आता है मैं उसको भी बता देता हूँ। ये है बच्चों लिस्ट काउंट एरर, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम में आता है, व्हाट इज़ लिस्ट काउंट एरर, तो जैसा कि आप जानते हैं ना लिस्ट काउंट क्या होता है, हर एक इंस्ट्रूमेंट का एक स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो वो कर सकता है उसको कहते हैं लिस्ट काउंट। तो अगर लिस्ट काउंट अच्छी तरह से विजिबल नहीं है, लिस्ट काउंट सही नहीं है, लिस्ट काउंट का ग्रेजुएशन सही नहीं है, तो स्वाभाविक है कि हम जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें लिस्ट काउंट एरर आएगा, इसलिए हमको वो स्केल लेनी चाहिए जिसमें लिस्ट काउंट क्लियर कट हमको दिखाई देता हो, राइट, तो ताकि लिस्ट काउंट एरर ना हो, लिस्ट काउंट में एरर नहीं होना चाहिए, दैट इज लिस्ट काउंट एरर। एग्जामिनेशन पॉइंट में यही आता है, व्हाट इज रैंडम एरर्स, व्हाट इज लिस्ट काउंट एरर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर, इतना तो छाप लो, छोटा बोल। हाँ तो बच्चों, नाउ दैट इज हाउ टू एक्सप्रेस एरर, एरर को कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, तो बच्चों एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास तीन तरीका है, एक फार्मूला है बच्चों, यह है एब्सोल्यूट एरर, यह है रिलेटिव एरर, और यह है परसेंटेज एरर। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें एरर तो होना ही है, तो उस एरर को हमको एक्सप्रेस करना लिखना है, तो हम तीन किस्म से लिख सकते हैं, एक तो एब्सोल्यूट एरर, दूसरा आपका रिलेटिव एरर, और दूसरा परसेंटेज एरर। सबसे फाइनल वाला परसेंटेज एरर वो इम्पोर्टेंट है, कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया इतनी वैल्यू आ गई तो कितना परसेंटेज एरर है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। जब हम बच्चों कोई भी मेजरमेंट करते हैं, मान लीजिए हमने लेंथ ही निकाला, एक स्केल था राइट, इसका मैंने लेंथ मेरे का मेजरमेंट किया, तो बच्चों ये जो लेंथ हम मेजरमेंट करेंगे राइट, तो लेंथ मान लीजिए मेरा निकल गया, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ओके थ्री एंड देन टू मीटर मान लेते हैं, 3 मीटर मान लेते हैं राइट, एंड देन 4 मीटर इस तरह से, या 3.5 ले लो, 3.5 मीटर इस तरह से, मान लो मैंने 3 ऑब्जर्वेशन लिया इसी लंबाई ने आपने ले लिया, क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका तो हम मीन निकाल लेंगे, एल मीन
मीन इसका 2+3+3.5/3 ये मीन आ जाएगा। मान लो मीन मेरा कुछ भी आ गया, ए आ गया ए, तो व्हाट इज, ये तो मीन हो गया, मतलब तीनों में से हम केवल इसको एज ए मानेंगे ट्रू वैल्यू। एंड व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर मतलब बच्चों ये जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है और ये मीन का डिफरेंस, दैट इज इसको हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा एल से लिखते हैं, तो डेल्टा एरर मतलब मेरा 2 - a ये आ जाएगा, क्लियर। ये फर्स्ट डेल्टा L1 आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर। इसी तरह से फिर 3 - a ये डेल्टा L2 हो जाएगा, -3 - a। इसी तरह से डेल्टा एल सी भी -3 हो जाएगा। तो ये जो डेल्टा है बच्चों इसको कहते हैं एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। ये जो पहला ऑब्जर्वेशन था इसमें एब्सोल्यूट एरर डेल्टा L1 ये था, ये जो सेकंड ऑब्जर्वेशन था इसका डेल्टा L2 ये था, ये जो थर्ड ऑब्जर्वेशन था इसमें डेल्टा L3 मेरा ये था, राइट। अब हम इसका भी मीन निकाल लेते हैं, राइट, डेल्टा एल का भी मीन, डेल्टा एल का मीन निकाल लेते हैं। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट मीन, एब्सोल्यूट मीन। ओके बच्चों समझ में आ रहा है? तो बच्चों देखिए, तो कहने का मतलब है ये आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएंगे। जब भी हम कोई चीज़ का मेजरमेंट करते हैं, राइट, तो हमको अलग अलग ऑब्जर्वेशन मिलते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, किसको माने हम, कौन किसको सही माने, तो हम सबको मीन निकाल लेंगे, क्लियर, मीन निकाल लेंगे, तो उसको हम सही मानते हैं, दैट इज ट्रू वैल्यू। अब जो पहला ऑब्जर्वेशन था वो मीन वैल्यू से कितना डेविएशन में है, कि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, हमको उसका केवल एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, राइट, तो उसको कहेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू 1। उसी तरह से दूसरा ऑब्जर्वेशन का मीन से डिफरेंस, उसको कहेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू 2। तो इसी तरह से सब ऑब्जर्वेशन का हम एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल, एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे और उस एब्सोल्यूट एरर का भी मीन निकाल लेंगे। तो एक्चुअली जब हम इसका लेंथ लिखेंगे, अभी जो हमने ऑब्जर्वेशन किया था लेंथ का, तो हम जब एक्चुअल लेंथ लिखेंगे उसका, तो एल प्लस माइनस डेल्टा एल ऐसा लिखेंगे, सेंटीमीटर या हमने मीटर दिया था, तो ये मेरा एक्चुअल मेजरमेंट हो गया, क्लियर, ये इतना समझ में आया, एक्चुअल मेजरमेंट हो गया। तो कोई भी मेजरमेंट जब हम लिखते हैं, जैसे आज तक हम तो ऐसे लिखते थे ना, मान लो हमको हाइट मेजरमेंट करना था, हम ऐसे लिखते थे 5 मीटर ये हाइट होगी, राइट, 5 मीटर में ऐसे लिख देते थे, लेकिन एक्चुअली में हमको ऐसा लिखना चाहिए 5 मीटर प्लस माइनस जो मीन एब्सोल्यूट एरर है, मान लो 0.2 है, ऐसा लिखना चाहिए हमको कोई भी मेजरमेंट, मीन्स उसका मीन वैल्यू जरूर लिखना है, और ये दैट इज एब्सोल्यूट मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट मीन वैल्यू, ये एब्सोल्यूट मीन वैल्यू, तो दैट इज उसको हम कहेंगे सही ऑब्जर्वेशन। मतलब बिना एरर का हम ऑब्जर्वेशन नहीं लिख सकते, एरर मस्ट बी देयर, क्लियर बच्चों। तो एब्सोल्यूट एरर आपको समझ में आ गया होगा, व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर मतलब दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, दैट इज जिसको हम डेल्टा ए से लिखते हैं, दैट इज डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, उसको कहेंगे एब्सोल्यूट एरर। फर्स्ट का अगर फर्स्ट का निकाले तो फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, फिर सबका जो मीन लेंगे उसको कहेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। और जब माइनस करेंगे तो हमको माइनस नहीं लेना है, हमको खैर एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, तो इसलिए हम इसको ऐसा इस मोड में डाल देते हैं, ऐसा एब्सोल्यूट वैल्यू 1, इसी तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू 2, क्लियर। और जब भी हम उसका ऑब्जर्वेशन को लिखेंगे तो हमेशा इस को ध्यान देंगे, दैट इज अगर हम एरिया निकाल रहे हैं तो ए मीन एरिया प्लस माइनस डेल्टा ए, इस तरह से लिखेंगे मेजरमेंट, क्लियर ना। नाउ व्हाट इज रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर मतलब बच्चों ये इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, डेल्टा ए बाय ए दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू, इसको कहेंगे रिलेटिव एरर। एंड व्हाट इज परसेंटेज एरर, बस परसेंटेज एरर इसी रिलेटिव एरर को
रिलेटिव एरर को जब 100 से गुना कर देंगे तो इसको कहेंगे परसेंटेज एरर, ये होता है परसेंटेज एरर। तो किसी भी मतलब एरर को हम इसमें एक्सप्रेस करते हैं एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। आइए एक क्वेश्चन करते हैं सवाल, तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। क्लियर। द मेजरमेंट ऑफ ए पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। आपने पेंडुलम तो देखा ही होगा, पेंडुलम में क्या होता है, एक मास होता है जिसको हम रस्सी से लटका के और आस्ते से हिला देते हैं, तो पेंडुलम ऐसा ऐसा मोशन करता है, इसको पेंडुलम कहते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड का ऑब्जर्वेशन है, टाइम पीरियड मतलब यहाँ से जाएगा फिर यहाँ से यहाँ, वो वन टाइम पीरियड, लाइक दिस टू टाइम पीरियड, लाइक दिस थ्री टाइम पीरियड, ओके। तो उसका टाइम पीरियड को हम मेजरमेंट करते हैं, तो हमको फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मिला। पहला है 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड, 2.80 सेकेंड। मैंने पांच टाइम पीरियड का ऑब्जर्वेशन लिया। अब इसमें आपको निकालना है व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, व्हाट इज रिलेटिव एरर एंड व्हाट इज परसेंटेज एरर। क्लियर। तरीका क्या है, तरीका है सबसे पहले हम इसका मीन निकाल लेंगे, मीन मेरा वो ट्रू वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद हम एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, मीन से इसको माइनस करेंगे पहला एब्सोल्यूट एरर, फिर मीन से इसको माइनस करेंगे दूसरा एब्सोल्यूट एरर, मीन से इसको माइनस करेंगे तीसरा एब्सोल्यूट एरर, मीन से इसको माइनस करेंगे चौथा एब्सोल्यूट एरर, मीन से इसको माइनस करेंगे पांचवा एब्सोल्यूट एरर, फिर इसका भी हम मीन निकाल लेंगे, उसको कहेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर बच्चों। और एक्चुअल हम जब ऑब्जर्वेशन लिखेंगे दैट इज टी प्लस माइनस डेल्टा टी, इस तरह से लिखेंगे टोटल टाइम पीरियड जो भी उसका आएगा, राइट। इसके बाद हम रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, बस इसको इसको डिवाइड कर देंगे डेल्टा टी बाई टी, उसको रिलेटिव एरर कहते हैं या फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं, और उसी को 100 से गुणा कर देंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। करिए बच्चों, डू इट। हाँ तो बच्चों कर लिया होगा आप लोगों ने, आइए मैं भी बता देता हूँ। तो हमने पेंडुलम का टाइम पीरियड हमने ऑब्जर्वेशन लिया, हमने पांच ऑब्जर्वेशन लिया, तो कैसे हम निकालेंगे एब्सोल्यूट रिलेटिव एंड परसेंटेज। तो हमने जो ऑब्जर्वेशन लिया वो मेरा ये था, 1 2 3 4 5 ये टाइम पीरियड का हमने ऑब्जर्वेशन लिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, सबका मीन निकालेंगे, मीन निकालने पता है सबको जोड़ के 5 से डिवाइड कर देंगे, तो मीन मेरा आ गया ये वाला, दिस इज मीन वैल्यू 2.624 सेकेंड। सबका आया होगा ना बच्चों 2.624 सेकेंड। आइए बच्चों अब हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर मीन से पहला ऑब्जर्वेशन को माइनस करेंगे, फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर। तो मेरा ये डेल्टा टी वन ये फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर है, तो आप माइनस करेंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगा -0.01 सेकेंड, राइट। बच्चों जब मोड लेंगे, मोड में तो हमको केवल पॉजिटिव लेना है। फिर सेकेंड एब्सोल्यूट एरर मीन से सेकेंड ऑब्जर्वेशन मतलब इसको माइनस करेंगे तो हमको ये मिलेगा, दैट इज सेकेंड एब्सोल्यूट एरर। फिर तीसरा एब्सोल्यूट एरर मीन से इसको इसको मेजरमेंट माइनस करेंगे, इस मेजरमेंट को माइनस करेंगे तो तीसरा एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा, दैट इज 0.20 सेकेंड। फिर चौथा एब्सोल्यूट एरर मीन से इसको माइनस करेंगे तो मेरा ये आ जाएगा -0.09 सेकेंड। फिर मीन से हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -0.18 सेकेंड। क्लियर। तो ये माइनस देके आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, मॉड वैल्यू है। तो आपको सबका फिर से मीन निकाल लेना है, एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाल लेना, उसको कहेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मैंने यहाँ कर दिया है, देखो ये हो गया, मैंने डेल्टा लगा दिया, मतलब ये मीन एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर। हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको नहीं लिखें, ये मीन एब्सोल्यूट एरर। तो सबको हम जोड़ के 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। तो एक्चुअली हम जो टाइम पीरियड का ऑब्जर्वेशन लिखेंगे ये था मीन वैल्यू और ये था मेरा मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर। मीन वैल्यू एंड मीन एब्सोल्यूट एरर, तो दिस इज द एक्चुअल वे ऑफ राइटिंग। एक बार आपने इतना लिख लिया उसके बाद तो रिलेटिव एरर मतलब दिस बाई दिस, फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर मतलब रिलेटिव एरर इंटू 100। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया परसेंटेज एरर रिलेटिव एरर दिस बाई इंटू 100, तो 4% प्लस माइनस 4% इसमें
परसेंटेज है कटे, प्लस माइनस 4% इसमें परसेंटेज है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये आपके एग्जाम में आता है। मैंने टाइम पीरियड का एग्जाम्पल लिया, राइट, ये हाइट का, हाइट का, लेंथ का, कुछ भी ले सकता है। तो एटलीस्ट आपको जानना है कि हाउ टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर, हाउ टू कैलकुलेट रिलेटिव एरर एंड हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज एरर। और कोई भी हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसमें एरर तो होना ही है, तो उस एरर को हमको परसेंटेज एरर में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हम जी का मान निकाल रहे हैं, तो जी का मान मेरा कुछ भी आ सकता है, नियर अबाउट टू 9.8 आना चाहिए, राइट। तो नहीं आएगा तो परसेंटेज एरर कितना है हमको निकालना है। बस ये ध्यान देना है कि मेरा एरर कम से कम हो, ज़्यादा एरर होने से एक्सपेरिमेंट में आपको गलतियाँ नज़र आएंगी, कम से कम एरर हो, दैट शुड बी कैप्ट इन योर माइंड। छाप लीजिए बच्चों। हाँ तो बच्चों आपने देख लिया हाउ टू कैलकुलेट, अब इसका यूज़ क्या है ना, जब हम इसका यूज़ कैसे करते हैं, जब हम कोई भी मतलब ऑब्जर्वेशन करते हैं, मान लो एरिया निकाल रहे हैं, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, राइट, तो लेंथ में भी एरर होगा और ब्रेथ में भी एरर होगा, तो इस दोनों एरर को कैसे कंबाइन करके हम एरिया में लिखेंगे, तो दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ओके। तो फर्स्ट हम आपको सिखाते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हम कैसे एरर को कंबाइन करेंगे, राइट। मान लो हमको एरिया निकालना है, तो एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना रेक्टेंगल का, तो एरिया में हम लिखेंगे एरिया ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ये हो गया एरर इन एरिया। लेंथ में लिखेंगे एल प्लस माइनस डेल्टा एल, इंटू ब्रेथ में लिखेंगे ब्रेथ प्लस माइनस डेल्टा बी। तो एक्चुअली में हम तो ऐसा लिखेंगे, राइट, इस तरह से लिखेंगे रियल मेजरमेंट। अब हम ये टोटल एरिया है, एरर इन एरिया, तो टोटल एरर इन एरिया को हम हमेशा लिखेंगे प्लस डेल्टा एल माइनस प्लस माइनस डेल्टा बी। मतलब आप समझ गए होंगे कि इसका उसका एब्सोल्यूट एरर और इसका एब्सोल्यूट एरर दोनों को हम प्लस कर देंगे, माइनस नहीं करेंगे बच्चों। हमको जब एरर निकालना होता है ना, तो हम मैक्सिमम एरर निकालते हैं। जैसे हमने ये कैलकुलेशन किया एरिया, तो एरिया में कैलकुलेशन, एरिया में लेंथ भी है ब्रेथ भी है, लेंथ में भी एरर है ब्रेथ में भी एरर है, एब्सोल्यूट एरर, राइट। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम एरर को निकालने की कोशिश करेंगे, इसलिए दोनों एरर को हम जोड़ देंगे एंड वी गेट द मैक्सिमम एरर इन एरिया। कभी माइनस नहीं करना है बच्चों, माइनस करने से हम कम एरर को निकाल रहे हैं। भाई हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसमें मैक्सिमम एरर को हमको फाइंड आउट करना है। तो जब भी हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो हमको मैक्सिमम एरर को निकालना है, क्लियर। अब मान लीजिए हमारे पास एक रेजिस्टेंस है आर वन, दैट इज 100 प्लस माइनस 0.7 ओम, राइट। और दूसरा रेजिस्टेंस है आर टू, दैट इज योर 50 प्लस माइनस 0.3 ओम। बताइए व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस में एरर कितना होगा, व्हाट इज द टोटल एरर इन द रेजिस्टेंस। तो टोटल अगर हम इसको सीरीज में कंबाइन करेंगे तो आर वन प्लस आर टू हो जाएगा, राइट। तो आर ये सीरीज वाला है, प्लस माइनस डेल्टा आर हो जाएगा, राइट, इक्वल्स टू आर वन प्लस माइनस डेल्टा आर वन प्लस आर टू प्लस माइनस डेल्टा आर टू। तो डेल्टा आर जो है वो क्या होगा, तो डेल्टा आर इक्वल्स टू, दैट इज प्लस माइनस डेल्टा आर वन प्लस माइनस डेल्टा आर टू, ये होगा बच्चों, राइट। तो कितना आंसर होगा बता सकते हैं आप? यस, वेरी गुड, ट्राई कीजिए। 100 में 0.7 है, राइट, और ये 50 में 0.3 है, तो ये 100 में कितना होगा, 0.6 होगा। तो 0.7 0.6, दैट इज योर 0.7 0.7 इसमें है, प्लस माइनस 0.6 इसमें है, तो ये हो जाएगा दैट इज 1.3। तो टोटल हम जब लिखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, तो 100 प्लस 50 150, तो टोटल सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा 150 प्लस माइनस 1.3।
दिस इज माय करेक्ट आंसर राइट दैट इज 100 प्लस 50 R1 R2 R1 प्लस R2 सीरीज में हो जाएगा और इसको हम ध्यान देना है कि मतलब परसेंटेज में हमको लिखना है तो ये तो दिया ही है 100 में इतना है ये 50 में दिया है तो 100 में 0.6 हो जाएगा क्लियर तो दिस इज अ वेरी यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ योर कॉम्बिनेशन ऑफ वगैरह। अब हम मल्टीप्लीकेशन में बता देते हैं आपको जैसे हमको मान लो मल्टीप्लाई करना है दैट इज मैंने मल्टीप्लाई में भी आपको बता ही दिया था राइट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सॉरी ये इनटू नहीं था ये मान लो प्लस है कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो हम प्लस कर रहे हैं राइट ओके दैट इज एडिशन मैंने एडिशन कहा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मतलब दो चीज़ें उनको हमको प्लस करना है ये जैसे मैंने यहाँ प्लस का एग्जाम्पल लिया है सीरीज में R1 प्लस R2 होता है राइट प्लस माइनस में भी हम सेम फार्मूला लगाएंगे प्लस में माइनस में हमको डेल्टा एरर ए को हमको डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी जो उसमें अलग अलग है दोनों को ऐड कर देना है क्लियर हम ऐसा भी ले सकते हैं मान लो जेड इक्वल्स टू ए प्लस बी ये कोई एक्सप्रेशन है कोई मेजरमेंट है कोई फिजिकल क्वांटिटी है इसमें मेरा हो जाएगा दैट इज डेल्टा जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी ये दैट इज द टोटल एरर इन द ऑब्जर्वेशन क्लियर अब मैं बताने जा रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन राइट मान लीजिए हम एरिया निकाल रहे हैं कोई स्क्वायर का तो एल स्क्वायर होता है ना एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज एल स्क्वायर तो इसमें मेरा पावर भी आ गया मैं इसीलिए एग्जांपल लिया हूँ तो एरिया में ए प्लस माइनस डेल्टा ए लिखेंगे राइट पावर में बच्चों पावर को क्या करते हैं ना मल्टीप्लाई कर देते हैं टू एल लिखेंगे उसके बाद टू एल प्लस माइनस डेल्टा ए ऐसा लिखेंगे बच्चों ठीक है याद रखना तो एल दैट इज एल स्क्वायर अब या हम ऐसा भी कर सकते हैं दैट इज तो पावर को मल्टीप्लाई कर देना है या हम इसको ऐसा भी अगर हम ऐसा लिख दें दैट इज एल इंटू एल ओके एल प्लस माइनस डेल्टा एल फिर ये फिर एल प्लस माइनस डेल्टा एल लाइक दैट तो हम इसको रिलेटिव एरर में लिखेंगे डेल्टा ए बाई ए इस तरह से डेल्टा एल बाई एल इस तरह से और इनटू में भी हम क्या करेंगे इसको प्लस करेंगे डेल्टा एल बाई ए तो ये डेल्टा ए बाई ए ये हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाई ए यस मैं वही यहाँ लिखना चाहता था पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टू टाइम्स डेल्टा एल बाई ए अब इसको हम परसेंटेज एरर में कैसे करेंगे डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 फिर हो जाएगा परसेंटेज एरर तो जब भी इंटू हो डिवीजन हो पावर हो ना तो आपको रिलेटिव एरर से काम चलाना है राइट प्लस माइनस रिलेटिव एरर ये आपको लिखना है और उसको 100 से गुणा करके आपका परसेंटेज एरर आ जाएगा आई थिंक क्लियर डिवीजन में भी वही है भाई डिवीजन में भी हम पावर को हम हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे एक एग्जांपल लेता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आए इतना छाप लीजिए पहले हो गया बेटा If percentage error in radius of sphere is 3%, find percentage error in volume.
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहता है कि रेडियस में जो परसेंटेज एरर है 3% है, तो वॉल्यूम में कितने परसेंटेज एरर होंगे? तो हाउ यू डू बच्चों आंसर, तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 4/3 पाई आर, ये होता है वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। नाउ परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, दैट मींस डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, ये हो गई परसेंटेज एरर, ठीक है। अब बच्चों ये तो कांस्टेंट है, इन दोनों कांस्टेंट है, इसमें तो कोई एरर नहीं होगी, इसमें एरर होगी। पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम परसेंटेज एरर में लिखेंगे, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। अब ये हो गया परसेंटेज एरर, ये दे रखा है 3%, तो 3 × 3% दैट इज 9%, 9% एरर। अगर रेडियस में 3% का एरर है तो वॉल्यूम में 9% का एरर। अब ये अगर वॉल्यूम की जगह एरिया पूछा होता, सरफेस एरिया में कितना एरर था, कौन सा फॉर्मूला लगाते, 4 πr² राइट, तो 6% हो जाता। छाप लेंगे इसको, वेरी इंपॉर्टेंट हो गया होगा, मिटा दो। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसे बच्चों आप जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mg² / r होता है, हाँ r होता है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है। अब इसका हम अगर फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर में लिखें तो डेल्टा f / f इंटू 100, जो होगी परसेंटेज एरर, डेल्टा m / m इंटू 100 परसेंटेज एरर इन मास, प्लस 2 मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा v/v इंटू 100 परसेंटेज एरर इन v। अब यहाँ बच्चों देखो r है ना, r को हम माइनस में नहीं लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। मैंने पहले बताया ना कि हम मैक्सिमम एरर निकाल रहे हैं आपको, तो प्लस डेल्टा r/r इंटू 100 परसेंटेज एरर हो गई। तो ये मैंने फार्मूला बताया, अगर आपको इस तरह से हो, अगर आपको मान लो मास में परसेंटेज एरर 1% दे रखा है, डी में परसेंटेज अगर 2% दे रखा है तो 2 × 2% हो जाएगा, प्लस आर में 1% दे रखा है तो 1%, तो टोटल ये हो जाएगा 4, 5, 6%। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। द एरर इन मास, द परसेंटेज एरर इन मास इज 1%, द परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी इज 2%, द परसेंटेज एरर इन रेडियस इज 1%, फाइंड द परसेंटेज एरर इन सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपको पहले इसको फार्मूले में लिख लेना है परसेंटेज एरर, पावर को जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है, तो परसेंटेज एरर में लिख के आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके उसको निकाल सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसीडर किया, दैट इज कम एरर एनालिसिस, व्हाट इज एरर एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर, राइट, व्हाट कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं एरर से संबंधित, how to express error, absolute, relative and percentage, and we have some numericals, how to combine the errors, so इस पर आप और भी सवाल लगाएंगे, and ये आपका that is units and dimension का ख़त्म हुआ। काफ़ी मैंने इसमें कम से कम 6-7 वीडियो मैंने बनाए हैं, सबको आप देखिएगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और अगला वीडियो लेके आएंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। थैंक यू बच्चों।